नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ अलग अलग मुद्दों पर लगभग एक महीने से चले आ रहे टकराव के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली के गृह सचिव की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच पैदा हुए ताजा विवाद की पृष्ठभूमि में हुई मुलाकात के बारे में केजरीवाल और सिसोदिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वे मीडिया से बात किए बिना ही नॉर्थ ब्लॉक से चले गए। सिंह ने भी ट्वीट करके केवल इतनी ही जानकारी दी कि केजरीवाल और सिसोदिया उनसे मिले थे। सलमान खान मामले की सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित। बम्बई उच्च न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी और प्रकरण से जुड़े दस्तावेज तेजी से पूरे करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि निचली अदालत ने हिट एंड रन मामले में सलमान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सलमान अदालत नहीं आए लेकिन उनकी बहन अलवीरा मौजूद थी। पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड में यूपी सरकार ने किया मंत्री का बचाव। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा को हटाए जाने की पुरजोर मांग के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मंत्री का बचाव करते हुए साफ कहा कि जांच पूरी हुए बगैर मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आप जानते हैं कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, आरोप लगाए जाते हैं। दूसरी ओर भाजपा सांसद एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की और कहा कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी जांच एजेंसी से इस मामले में न्याय नहीं मिल सकता। गौरतलब है कि पत्रकार को जलाकर मार डालने के मामले में राज्य मंत्री वर्मा समेत 6 अभियुक्तों के खिलाफ गत 9 जून को हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। टीम के प्रदर्शन से खुश रवि शास्त्री ने दी डिनर पार्टी। बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन से खुश टीम निदेशक रवि शास्त्री ने मैच के बाद खिलाड़ियों के लिए ढाका के गुलशन एरिया में डिनर पार्टी का आयोजन किया। भारत ने वर्षा से बुरी तरह प्रभावित इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 462 रन बनाए, जिसके बाद मेजबान टीम को 256 पर सिमटाकर फॉलो ऑन के लिए मजबूर कर दिया। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 150 का आंकड़ा पार किया और पहले विकेट के लिए 283 रन की साझेदारी की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।